जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के थ्रू बहुत सारे बच्चे को सपना होता है, कुछ आर्मी में जाने का सपना होता है, वही बच्चे एसएससी जीडी में आ जाते हैं ओवर एज की वजह से मान लो, या फिजिकल अच्छे से कंप्लीट नहीं करने की वजह से, या मेडिकल की प्रॉब्लम की वजह से एसएससी जीडी में आ जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चों में ऐसा जज्बा होता है, वो चाहते हैं कि हम भी कमांडो बने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कमांडो आप बन सकते हो एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के बाद में। दोस्तों तो मैं जो कमांडो बताता हूँ उनमें से बहुत सारी ऐसी कमांडो जिनमें आर्मी भी रहती है, यानी आर्मी के साथ में भी आपको काम करने का मौका मिल जाएगा, वो एसएससी जीडी में ही, मतलब एसएससी जीडी की जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ऐसे कमांडो जो पर्टिकुलर किसी फोर्स के हैं, और कुछ ऐसे कमांडो जिसमें कोई भी फोर्स का, चाहे आप कोई सी भी फोर्स में हो, आप 100% उसमें जा सकते हो। दोस्तों तो ये जो कमांडो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे मुझे पता है ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी में मेडिकल में रह गए, लेकिन ऐसे जीडी के मेडिकल में फाइट कर लोगे आप। मेरे से मेडिकल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन रहते थे, मेडिकल आप फाइट कर लोगे, गारंटी मेरी, चिंता ना करो। ऐसे जीडी का मेडिकल थोड़ा सा लो होता है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फाइट कर लोगे। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, और मेडिकल की आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन अभी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि कौन कौन से कमांडो बन सकते हैं एसएससी जीडी के जो जवान हैं। पहला एनएसजी, यानी एनएसजी कमांडो आप सभी को पता है, जिसको ब्लैकेट कमांडो बोलते हैं। इसमें 53% होती है आर्मी और 47% होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी ये जितने भी फोर्सेस हैं एसएससी जीडी में, इन सभी से आप ब्लैक कमांडो बन सकते हो, आर्मी के साथ में ड्यूटी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर 53% कौन होती है, आर्मी। उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो होते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो के जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वही एनएसजी के इंस्ट्रक्टर होते हैं। उसके अलावा दूसरा एसपीजी, एसपीजी में भी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस अटैच में रहती है, यानी दोनों के दोनों फोर्सेस से आप एसपीजी कमांडो बन सकते हैं। आप सभी को पता होगा एसपीजी जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बनाई गई है कमांडो फोर्सेस, जो टाई बेल्ट में रहती है वो वाली। उसके अलावा कोबरा कमांडो, कोबरा कमांडो केवल आप सीआरपीएफ के जवान बन सकते हैं, जो बच्चे सीआरपीएफ में सेलेक्ट होते हैं वो कोबरा कमांडो बन सकते हैं। उसके अलावा क्रोकोडाइल कमांडो, ये केवल बीएसएफ के कमांडो बन सकते हैं, क्रोकोडाइल कमांडो ये ट्रेनिंग के जस्ट बाद में बन सकते हैं। और उसके बाद में निंजा कमांडो, ये सीआईएसएफ के जवान बन सकते हैं, निंजा कमांडो। आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स, ये केवल सीआरपीएफ की एक स्पेशल फोर्स है, जिसमें केवल सीआरपीएफ के जवान जा सकते हैं जो ब्लू कलर की वर्दी पहनते हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर वाला, उसमें सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस से जा सकते हैं। दोस्तों तो ये सारे कमांडो आप बन सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे स्पेशल कमांडो छोटे बड़े किसी स्टेट के, वो भी इन पैरामिलिट्री फोर्सेस से बनते हैं। एनएसजी के लिए कम से कम आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, एसपीजी के लिए भी कम से कम आपकी सर्विस बटालियन में 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, ट्रेनिंग को मिला के 6 साल की सर्विस होनी चाहिए, और 30 साल से कम होनी चाहिए इन सभी कमांडोज़ के लिए। 30 साल से आपकी आयु कम होनी चाहिए 6 साल सर्विस के बाद में, तो आप ये कमांडो बन सकते हो। दोस्तों तो आपको निराश नहीं होना कि आप आर्मी और एसएससीजीडी में ज़्यादा अंतर है, आप भी इन सभी कमांडो में जा सकते हो और अच्छे से अपनी सेवाएं दे सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।